राहुल वर्सेस डिकॉक। राहुल ने खेले 32 वनडे, देखें 32 मैचों के बाद कौन है खतरनाक बल्लेबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप वर्ल्डवाइड क्रिकेट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक के बारे में, जिसमें हम दोनों के 32 वनडे मैचों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा बेहतरीन और खतरनाक बल्लेबाज है। तो दोस्तों इस बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो दोस्तों आप भी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बगैर समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम में इस समय शिखर धवन और लोकेश राहुल सलामी बल्लेबाजों की भूमिका निभा रहे हैं। रोहित शर्मा के चोटिल होने के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमें राहुल और धवन की ओपनिंग जोड़ी देखने को मिल सकती है। दक्षिण अफ्रीका के लिए क्विंटन डिकॉक सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभा रहे हैं। क्विंटन डिकॉक दक्षिण अफ्रीका की टीम के कप्तान भी हैं। पिछले कुछ समय में उनका प्रदर्शन काफी कमाल का रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भले ही तीनों मैचों में वह रन नहीं बना पाए, लेकिन उनका फॉर्म काफी अच्छा है। केएल राहुल ने अपने वनडे करियर में अब तक 32 मैचों में बल्लेबाजी की है। तो चलिए हम राहुल और डिकॉक के आंकड़ों पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि कौन ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 32 वनडे मैचों के बाद क्विंटन डिकॉक के आंकड़ों की। क्विंटन डिकॉक ने अपने वनडे करियर के शुरुआती 32 मैचों की 32 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 5 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 1310 रन बनाए थे। डिकॉक ने 42.29 की औसत और 89.67 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रनों का रहा था। वहीं दोस्तों वनडे करियर में लोकेश राहुल के आंकड़े देखे तो लोकेश राहुल ने अपने वनडे करियर में अब तक 32 मैच खेले हैं और 31 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 4 शतक और 7 अर्धशतकों की मदद से 1239 रन बनाए हैं। राहुल ने 47.65 की औसत और 87.07 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उनका सर्वोच्च स्कोर 112 रनों का रहा है। दोस्तों आपके अनुसार क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल में से कौन ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है, आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।